वचन आप सभी के साथ साझा करेंगे ताकि आप सभी को परमेश्वर और वचनों के द्वारा और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपको इस आराधना के थ्रू बहुत ज़्यादा ब्लेस करेंगे। और आइए सब जितने हमारे साथ आज इस वीडियो के माध्यम से जुड़ेंगे, जितने इस वीडियो को देखेंगे, हम विश्वास करते हैं वो सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की प्रेजेंस में हम सबने मिलकर परमेश्वर की आराधना करनी है पूरी रूह और सच्चाई से, ताकि हमारा परमेश्वर खुश हो सके और हम एक आराधना के थ्रू परमेश्वर को एक भेंट चढ़ा सके। हालेलुया, हालेलुया। हम साथ साथ आराधना करेंगे और आपके साथ एक मैसेज को भी शेयर करेंगे, बाइबल वर्स, बाइबल का वचन आपके साथ शेयर करेंगे और विश्वास करके सचमुच परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कार्य करेंगे। सो आइए आराधना और वचन स्टार्ट करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। सो आइए हम आपके बंद करें, सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 सामर्थ्य पिता आपका धन्यवाद हूँ आज की आराधना के लिए परमेश्वर, जो हम मिलकर उसी आपकी आराधना करने जा रहे हैं परमेश्वर। हमें विश्वास है कि जितनी भी आराधना हम अपने भाइयों और बहनों के साथ मिलकर करें खुदावंद, जितने भी हमें देखें खुदावंद, जितने भी इस आराधना में जुड़े खुदावंद, ये सब मेरे आशीष से भर जाएँ खुदावंद। और तेरी आराधना, तेरा वचन खुदावंद साथ साथ हम चलता रहे, जो भी चल रहे खुदावंद, हमारी सबकी अगुवाई करें परमेश्वर। इस आराधना के द्वारा खुदावंद में विश्वास करती हूँ, मेरे बहन भाई खुदावंद इस वचन को सुनी खुदावंद, सुनने के द्वारा छुटकारा पाए खुदावंद, हर परेशानी से, हर बीमारी से खुदावंद। और मैं विश्वास करती हूँ कि यह आराधना आपने स्वर्ग के राज्य में से दूर किया है, मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन, 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 हालेलुया। सो आइए हम सब मिलके, हम दोनों नहीं बल्कि हम सब मिलके आराधना करेंगे। और इस आराधना में परमेश्वर हमें ज्यादा ब्लेस करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। सो सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद। और परमेश्वर का वचन बताता है कि हर हाल में, हर टाइम में, हर एक एक पल में परमेश्वर को थैंक्स गिविंग करना चाहिए। चाहे आपकी लाइफ में दुख चल रहा है, चाहे प्रॉब्लम चल रही है, चाहे खुशी है, चाहे सुख है, चाहे आप खुश हो, दुख हो, हर हाल में परमेश्वर को थैंक्स गिविंग करो। हालेलुया। सो आइए सबसे पहले हम एक मैसेज को देखेंगे। सो मैसेज क्या कहता है, हसरूलिकिया 5:18, उसमें कहता है कि हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु ने परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। सो खुदावन परमेश्वर का कलाम बताता है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। सो आइए सबसे पहले हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसको थैंक्स करेंगे। I'm not afraid.
आशीर्वाद के साथ परमेश्वर की आराधना करो, हर हाल में परमेश्वर को थैंक्सगिविंग करें। वचन कहता है कि कभी ना अकने ना थकने वाला हमारा ऐसा दिल हो कि जो कभी अकते ना कभी थकते, लेकिन परमेश्वर के नाम की महिमा बढ़ाई करे। हालेलुया हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर में चलते चलते उसकी लाइफ में चलते चलते चाहे कितनी प्रॉब्लम आए, दुख आए, तकलीफ आए, लेकिन जो परमेश्वर है वो हमारा साथ नहीं छोड़ता। हमारे कई भाई बहन ऐसे हैं कि उनकी प्रॉब्लम जब ज़्यादा बढ़ जाए उनकी लाइफ में, तो उन्हें ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने शायद उनका हाथ छोड़ दिया, उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर हमारे साथ 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 चलते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं, इसलिए ताकि हम उन्हीं ही परेशानियों में जैसी परेशानियाँ हमारी लाइफ में हो रही है उसको परमेश्वर कहता है वो आपको कभी ना हारने वाला दिल देता है, कि आप जब इस चीज़ से हारते नहीं हो, उससे ऊपर उठते हो, तो परमेश्वर आपको बल देता है, सामर्थ देता है उसे ऊपर उठने की, और आपको एक सीख जरूर मिल जाती है। हालेलुया हालेलुया। सो आइए नेक्स्ट वचन देखेंगे। नेक्स्ट वचन है फिलिपियाँ उसका 4 अध्याय और उसकी 6 से लेकर 7 अध्याय पढ़ेंगे। वचन में क्या लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु अपनी सारी विनती और विनती में धन्यवाद सहित परमेश्वर के सम्मुख अपने मन को रखो, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का कलाम हमें क्या बताता है, चिंता मत करें, किसी भी प्रकार की चिंता, बल्कि अगर आपकी लाइफ में टेंशन चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, एक काम करना है, बस धन्यवाद के साथ परमेश्वर के साथ सामने जाएं, विनती के थ्रू मीन्स की प्रार्थना में जाना है, परमेश्वर के सामने जाके अपनी विनती के थ्रू हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी, और अपनी विनती के थ्रू हर एक अपनी प्रॉब्लम, हर टेंशन जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो, किसी के सामने जिक्र नहीं कर सकते हो, ऐसी टेंशन है जो आपके नीचे की आपको नीचे की ओर ले जा रही है, आप उस विनती के द्वारा प्रार्थना के द्वारा सारी बातें इंसान को नहीं, किसी दोस्त को नहीं, सीधा जाके परमेश्वर को बताएं। तो क्योंकि अगर आप किसी को बता भी दोगे उसका सलूशन किसी इंसान के हाथ में नहीं होता, ना आपके किसी दोस्त के हाथ में होता है, लेकिन जब आप उस बात को परमेश्वर के सामने जाके रखते हो तो आपकी सारी टेंशन सारी प्रॉब्लम को अपने ऊपर ले लेता है। परमेश्वर का कलाम बताता है वो आपकी रक्षा करता है हर चीज़ों से, आप उस दुविधा भरी लाइफ से, उस प्रॉब्लम से निकल के स्ट्रांगली बाहर आते और ग्रो करते हो। हालेलुया हालेलुया। जैसे कि वचन में उन्हें काफ़ी बार पढ़ा है, दाऊद नबी दाऊद राजा हुआ, उसने हर परेशानी में सामना करते करते लेकिन एक चीज़ नहीं भूला, वो धन्यवाद करना नहीं भूला, परमेश्वर की आराधना करना नहीं भूला। कोई भी प्रॉब्लम हुई उसने परमेश्वर को जाके बताया, उसने क्या किया, परमेश्वर को अपना पिता बोला, उसने कहा कि वो मेरा पिता है, जो मैं प्रभु से बोलूँगा वो मेरी सुनेगा। उसने कोई भी प्रॉब्लम हुई उसने प्रभु को बताया, किसी इंसान को नहीं, और प्रभु ने उसकी सहायता की, उसकी मदद की हर एक लाइफ हर एक परेशानी में। सो उसने परमेश्वर का जितना धन्यवाद किया और सारा वचन में आज भी मौजूद है, वो हमें यही सिखाता है हर हाल में परमेश्वर का धन्यवाद करो। हालेलुया आराधना करेंगे। ओ मेरा खुदा
आराधना करेंगे।
जय मसीह की।